हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम्ब्रो नॉलेज एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं चैन मिक्स की मशीन है यूमी रिलायंस की। इसमें हम आपको ड्रम, टूटा हुआ है ड्रम डाल के दिखाएंगे। दोस्तों, ये सबसे अलग है, ये सिस्टम जल्दी सेट नहीं होता। अगर इसका बेल्ट निकाल दिया जाए तो आसानी से जाता नहीं है बेल्ट। देखिए दोस्तों, ये सिस्टम जो है नीचे शाफ्ट वाला सिस्टम है। इसमें दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी जब बेल्ट टूट जाता है तो। यहाँ दोस्तों आज इसके ही बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है इसमें एक ऐसा लगा रहता है दोस्तों, ये शाफ्ट है, नीचे से घूम के बेल्ट ऊपर जाता है लीनियर में। दोस्तों, ये ड्रम यहाँ से टूटा हुआ है, हम इसको निकाल लिए हैं। ड्रम बैरिंग डाल के, ड्रम डाल के बैठा के आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं हूं उमेश, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए दोस्तों, ये ड्रम यहां से खोलते हैं, चार बोल्ट लगे होते हैं, पांच नंबर का लंकी बोल्ट, चारों को ढीला कर दोगे निकाल के, आगे निकल जाएगा। और यहाँ से बेल्ट टाइट ढीला होता है। दोस्तों, ये जो शाफ्ट वाला सिस्टम है, इसका बेल्ट का जो ढीला टाइट करते हैं यहीं से होता है। आप देख सकते हो बेल्ट कहाँ से घूम के आया है। दोस्तों, अगर ये टूट जाता है तो इसमें डालने में बहुत दिक्कत होता है बेल्ट। एकदम अगर इसका बेल्ट चेंज करना हो दोस्तों, तो बेल्ट में चिंदी बांध के निकाल लेते हैं, फिर चिंदी, नए बेल्ट को चिंदी में बांध के घींच के दूसरा डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ जो है हमारा ड्रम बैरिंग। ये है ड्रम बैरिंग, हमने बैरिंग डलवा के लाया, दोनों टूट गया था। अब दोस्तों चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो है ये ड्रम जो है ऐसे लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम चारों बोल्ट को टाइट करेंगे पांच नंबर लंकी से। ये लंकी बोल्ट है दोस्तों। दोस्तों पहले हम ये चारों बोल्ट को लगा लेंगे, ड्रम को आगे घिसका के रखेंगे। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो रही है, एक एक करके चारों बोल्ट को लगा लेंगे। ये हो गया, ये लास्ट बोल्ट है। इसको लगाने के बाद बेल्ट बांधेंगे। ये बिल्कुल आसानी से हम बेल्ट को, अब ये दोस्तों जहां पे ये आएगा खोलने पे, इसका सेटिंग जहां पे रहता वहीं पे रहता है। बस इसको इतना ध्यान देना है कि दोनों घींच के बेल्ट को टाइट करना रहता है चपले में। अब हम बेल्ट को ढीला कर लेंगे, ड्रम को पूरा आगे सटा लेंगे। अब इसी पे हम चपला रख के बांध देंगे। इस तरीके से कुछ लंकी से इसका होल सेंटर में लेके बोल्ट लगा के एक एक टाइट करेंगे। कई भाई गलती कर देते हैं, ये जो है बेल्ट का आगे पीछे बांध देते हैं, अलाइनमेंट मिलता नहीं है। हम आपको अभी अलाइनमेंट मिला के दिखाएंगे एक ही बार में, जहां बेल्ट बांध रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम सब बोल्ट को टाइट कर लेंगे।
वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने सब बोल्ट को फुल टाइट कर लेनी है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। वीडियो पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। अब दोस्तों इसको हम बेल्ट को यहाँ से टाइट करेंगे, ये 5 नंबर का एलिंकी लगाएंगे। उतना भी टाइट नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना ही करेंगे, नहीं तो बेल्ट घिस जाता है दोस्तों, बैरिंग टूट जाता है। टाइट करते समय वहां ऊपर हम हाथ लगा के देखते रहेंगे। अभी बराबर है दोस्तों, अब ये चारों बोल्ट को हम फुल टाइट कर लेंगे ताकि ड्रम अपनी जगह फिक्स बैठ जाए। इसको हम कर लेंगे फुल टाइट, ये हो गया। अभी बराबर है दोस्तों, ज्यादा ढीला भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम में रखना है दोस्तों। बेल्ट में कभी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, एकदम ओके है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अलाइनमेंट। एक ही बार हमने बेल्ट बांधा है दोस्तों। ये जो है सिस्टम बहुत ही अच्छा है, लेकिन जल्दी सेट नहीं होता है। 1500 का पेंटोग्राफ है दोस्तों इसका। इसको हम बैठाएंगे और ये बैरिंग में घुसाएंगे। ये अब अलाइनमेंट चेक करेंगे दोस्तों, आया कि नहीं आया। बीच वाला तो बराबर दिख रहा है दोस्तों, अब वो साइड वाला देख लेता हूँ। ये साइड वाला भी बराबर है, अब इधर का चेक कर लेता हूँ। ये भी बराबर ही है दोस्तों, एकदम परफेक्टली आ गया एक ही बार में। तीनों सेंटर बराबर है दोस्तों। अब आप इसमें पत्रा लगा कर टाइट करके अब आप एलेंकी का बोल्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपना हमें राय जरूर बताएं आपके। और हाँ, आप किस वीडियो किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, हम जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियो हम बनाते रहते हैं, एक नॉलेज जैसा वीडियो बनाते हैं आपको, जिसमें नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।